युवा एकता मंच सिरोही ने बेरियल बस स्टैंड के सामने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य निःशुल्क मास्क का वितरण किया। वहीं आम लोगों को समझाइश दी गई, कोरोना से बचाव केवल मास्क ही है एवं लोगों से दो गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं, तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग मास्क बांटते हैं, सैनिटाइजर करा रहे हैं? अभी मास्क बांट रहे हैं हम लोग, जनता में जागरूकता फैलाने के लिए, कोविड से सुरक्षा के लिए। ये हमारे युवाओं ने जैसे तो अपने गांव के विकास के लिए बनाया था, गांव में तो विकास कर ही रहे हैं, इसके साथ में थोड़ा समाज सेवा जोड़ते हुए हमने ये मास्क फ्री में वितरण करने का प्रोग्राम बनाया था। उसके तहत हम ये बांट रहे हैं, सैनिटाइजर करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। अभी तक कितने लोग मार चुके हैं आप? अभी तक मेरे भैया लोगों को बच चुके होंगे भैया, और अभी 1000 को और मार चुके हैं। बाकी गांव में हमारा विकास का कार्य चल रहा है, उसके तहत हमने पानी की टंकी बनवाई है नहर पर। ये सिलसिला चलता रहेगा मास्क बांटने का? ये चलता रहेगा, अभी हम इसको गाँवों में ले जाएंगे, हमने यहाँ से शुरुआत की है, अब हम गाँव में जाके इन मास्कों को बंटवाएंगे। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।